आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। टिश्यू के टाइप्स क्या है? फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो अब हम पढ़ते हैं कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता क्या है। सो सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होंगे जो सिर्फ एक टाइप के सेल से बनेंगे, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू ऑफ प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट्स। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू रहेंगे मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक या एक से ज़्यादा सेल, मतलब एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बनेंगे, जैसे कि ब्लड ऑफ एन एनिमल, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ प्लांट। ये सब कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल है। थिंक अबाउट इट, आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल द सेम? क्या प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस क्या सेम होते हैं? नहीं। प्लांट्स बींग सेडेंटरी, मोस्ट ऑफ देयर टिश्यू आर द टाइप दैट गिव सपोर्ट। There are dead cells in some tissue and this do not need much attention. Plants sedentary होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट्स में कुछ डेड सेल्स भी होती है, यानी कुछ टिश्यू में कुछ डेड सेल्स होगी। ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ऑकर इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द टिश्यू कंटेन डिवाइडिंग सेल्स। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो टिश्यू पर डिपेंड करती है। अगर टिश्यू डिवाइड होते रहेंगे, अगर टिश्यू में डिवाइडिंग सेल है तो वो प्लांट भी ग्रो करेगा, यानी उसका वो पार्ट ग्रो करने लग जाएगा। एन एनिमल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड पार्टनर्स। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए और अपने पार्टनर्स के लिए, एंड देयर एनर्जी नीड्स आर ग्रेटर, और उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल। बहुत सारे जो टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू है वो लिविंग सेल से बने हुए हैं। यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एन एनिमल्स एंड दे डू नॉट हैव द डेफिनेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। उनकी ग्रोथ यूनिफॉर्म रहती, यानी बढ़ती ही रहती, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट बढ़ेगा, पूरी बॉडी ग्रो करती है। सो एनिमल में ये डिपेंड नहीं करता है कि उनकी सेल डिवाइडिंग है या नॉन डिवाइडिंग है। दिस मीन्स दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म द नेसेसरी फंक्शन। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू रहते हैं जो अलग अलग नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हेलो बच्चों, हाय पूरी, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल, आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। सो स्टार्ट करते हैं थिंक अबाउट इट से। थिंक अबाउट इट, वाई कैन वी नॉट सी आर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइन। हम इन ऑर्गन्स को क्यों नहीं देख सकते, हम हमारे हार्ट को क्यों नहीं देख सकते, ब्लड वेसल्स हमें क्यों नहीं नज़र आती है, इसके बारे में सोचो। इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गन कम टूगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक एनिमल बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन लाइक लंग्स एंड ट्रैकिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ सम मसल्स ब्रिंग आउट द फंक्शन ऑफ रिलैक्सेशन। रेस्पिरेशन, जैसे कि हम लंग्स और ट्रैकिया की बात करें, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, यानी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है तो वो रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन ऑर्गन्स। हर ऑर्गन में अलग अलग टिश्यूज रहते हैं, हर टिश्यू अलग अलग टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंगली
टिश्यूज़ आर क्लासीफाई इंटू डिफरेंट टाइप्स, उसी टाइप से टिश्यूज़ को क्लासीफाई किया है. देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, नेमली एपिथेलाई टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. सो एनिमल टिश्यूज़ को चार टाइप में डिवाइड कर दिया है. Do you know, blood is also a type of connective tissue. It circulates in the body from one part to another and transports the different material. For example, it transports the oxygen and nutrition to all the cells in the body. Similarly, it transports the waste material generated all over the body to the kidney for excretion. आपको पता है जो blood है वो भी connective tissue है, क्योंकि वो सर्कुलेट करेगा. इट्स ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, यानी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में. जैसे कि ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में, वो भी ब्लड का ही वर्क रहता है. और जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, वो भी ब्लड किडनी तक लेकर जाएगा, जिससे कि वो एक्सक्रीट हो सके. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. Protective coverings in the animal body are called the epithelial tissue. Animal body में जो protective covering रहती है, जो उनको protect करके रखती है, वो है epithelial tissue. Cell in the tissue are closely packed and form continuous layer. इस tissue की जो cells रहती है वो continuously packed रहती है और एक layer form करती है. Any material that enters the body first encounter epithelial tissue. जो भी material animal body में enter करता है तो सबसे पहले उसको epithelial tissue से लड़ना पड़ता है. Cell of the epithelial tissue are separated from the cell of other underlying tissue by the fibrous membrane. जो epithelial tissue की जो cell है वो separate हो जाती है fibrous membrane में. The skin, mucus layer of the mouth, cavity, inner surface of the blood vessels, wall of the alveoli are made up of epithelial tissues. जो हमारी स्किन है, यानी जो एनिमल की स्किन है, जो उनके मुंह में म्यूकस आता है, वो उनके ब्लड वेसल्स का इनर सरफेस, एलिवियल की वॉल, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई है. अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट इज स्क्वेमियस एपिथेलियम, जिसका शेप स्क्वायर के जैसा रहेगा. इसकी लोकेशन रहती है इनर सरफेस ऑफ द माउथ, ओसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड एल्यूवियोली. ये हम उन एनिमल के इनर सरफेस में रहेंगे, यानी मुंह के इनर सरफेस में, ओसोफेगस में भी, ब्लड वेसल्स में और एल्यूवियल में. इसका स्ट्रक्चर रहता है थिन, यानी पतला, स्मॉल, छोटा. फ्लैट सेल्स फॉर्म द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन इज सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. ये सेलेक्टिव मटेरियल का ही ट्रांसपोर्ट करता है, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस का ही ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट इज स्टेरिफाइड एपिथेलियम. स्टेरिफाइड एपिथेलियम का फिगर दे रखा है. इसके लोकेशन है आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ये हमारे ये एनिमल स्किन की आउटर पार्ट पे रहता है. स्ट्रक्चर मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, यहाँ पर सेल्स की कई सारी लेयर्स रहती है. फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ वियरिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स.
अगर कोई ऑर्गन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है कि किसी ऑर्गन को चोट ना लग जाए। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये इनर लेयर ऑफ द स्किन स्किन के नीचे की लेयर में होता है। सेल कंटेन द वेसिकल पैक्ड विद द सेक्रेटरी मटेरियल सिक्रीशन ऑफ स्वेट ऑयल म्यूकस एक्सेट्रा। इसका फंक्शन रहता है कि ये स्वेट को सिक्रीट करता है, पसीने को, ऑयल को और म्यूकस को। नेक्स्ट इज कॉलमनार एपिथेलियम। ये कॉलम्स की शेप में रहेगा, जैसे अलग अलग कॉलम रहते हैं वैसे। ये इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में और एलिमेंट्री कैनाल में। कॉलम लाइक टेल सेल अपर फ्री सरफेस बियर्स द फोल्ड मेड अप ऑफ द सेल्स ऑफ प्लेसेस ऑफ अब्सॉर्प्शन सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेगा और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो इनर सरफेस है वहाँ पर अपर फ्री सरफेस ऑफ द सेल बियर द माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस। अब जब इसके सेल का अपर सरफेस देखेंगे तो वहाँ पे माइन्यूट हेयर्स रहेंगे, यानी बहुत छोटे छोटे से हेयर्स। पुशेस द म्यूकस एंड द एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पास फ्री। ये म्यूकस को खींचता है और एयर को आगे भेजता है जिससे कि एयर फ्रीली पास हो सके, उसको एक अच्छा पैसेज मिल सके। नेक्स्ट क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। इसका शेप क्यूबॉइड की शेप का रहेगा। ट्यूबल्स ऑफ किडनी और सलाइवरी ग्लैंड। ये किडनी के ट्यूबल्स यानी नेफ्रॉन में रहेगा और सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करेगा। सेल्स आर क्यूबॉइडल। इसकी जो सेल्स है वो क्यूबॉइड की शेप की है। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल मटीरियल फ्रॉम यूरिन सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये जो यूजफुल मटीरियल है उसको रीअब्सॉर्ब करता है यूरिन में से और सलाइवा को सिक्रीट करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? द टिश्यू विद जॉइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे टिश्यूज जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, जॉइन करके रखता है, उस टाइप के टिश्यूज को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सेल इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर लूजली अरेंज विद द ग्राउंड सब्सटेंस इन अ फ्री स्पेस इन बिटवीन। सो इन टिश्यू में जो सेल्स होती है वो लूजली अरेंज रहती है, बहुत दूर दूर अरेंज रहती है, ताकि यहाँ पर बहुत फ्री स्पेस बच रही है इनके बीच में। द ग्राउंड सब्सटेंस मे बी सॉलिड लिक्विड लाइक वाटर और जेली लाइक। जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, जैसे कि वाटर और जेली जैसा भी। फिर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से टाइप है? सो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसकी लोकेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम में, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स इन द लिक्विड प्लाज्मा। फंक्शन रहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हार्मोन एंड वेस्ट। ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स और वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड। नेक्स्ट इज लाइम्स ऑल अराउंड द सेल इन द बॉडी। लाइम्स हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट है। फ्लूइड ओज आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कंटेन्स द लियोसाइटिस एंड द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंसेस प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। लाइम्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है इन्फेक्शन से। नेक्स्ट एरुलर टिश्यू
aryal tissue between the muscles and the skin around the blood vessels. Aryal tissue जो है वो skin और muscles के बीच में है, यानी blood vessels के आसपास. Different type of cell loosely arranged and supported by the jelly-like round substance and elastic fibers. So, अलग अलग टाइप के जो सेल्स है वो लूजली अरेंज, यानी बहुत दूर दूर अरेंज है और जेली लाइक सब्सटेंस को से सपोर्ट की गई है. सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करके रखती, सपोर्ट प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के आसपास है. सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंसेस, यहाँ की जो सेल्स है वो फैट ड्रॉपलेट्स को से भरी हुई है और जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है, और यहाँ का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो जेली जैसा है. इंसुलेशन सप्लाई ऑफ एनर्जी स्टोरेज ऑफ फैट, यहाँ पर एनर्जी का सप्लाई होता है और फैट को स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट इज कार्टिलेज. कार्टिलेज प्रेजेंट है नोज, ईयर, लैरिंक्स एंड ट्रेकिया. सेल्स सपोर्टेड बाय द फाइबर्स फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंसेस. ल्यूब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ बोन्स, गिव सपोर्ट्स एंड शेप टू द ऑर्गन, ये बोन को सपोर्ट देता है और ऑर्गन्स को शेप देता है प्रॉपर. नेक्स्ट इज बोन. बोन स्केलेटन है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी में है. इसका फंक्शन है कि इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स हेल्प इन द मूवमेंट, ये उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और सपोर्ट करता है जो कि मूवमेंट में काम आते हैं. नेक्स्ट टेंडन्स एंड लिगामेंट्स ऑल एट द जॉइंट्स, ये जॉइंट्स पर रहता है. इनका वर्क है टेंडन्स जॉइन द मसल्स टू बोन्स. टेंडन्स मसल्स को बोन से जॉइन करके रखते हैं और लिगामेंट्स जॉइन टू बोन्स टू ईच अदर, दो बोन्स को साथ में जॉइन करके रखते हैं. सो यूज योर ब्रेन पावर. व्हाई डू स्लिम पर्सन फील मोर कोल्ड इन द विंटर दैट दोज हु आर ओबीज, स्लिम लोगों को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है एज कम्पेयर टू उन लोगों को जो ओबीज हैं, जो मोटे हैं. वाई आर द बोन्स नॉट बी फोल्डेड, बोन्स फोल्डेड क्यों नहीं है, बोन्स को हम फोल्ड क्यों नहीं कर सकते हैं. सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं. मस्कुलर टिश्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में. ट्राई एट दिस, बैंड योर आर्म एट एल्बो, अपनी कोहनी पर से अपने आर्म को बैंड करो. ऑब्जर्व द मसल्स इन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द आर्म, फिर जो आपकी मसल्स फ्रंट साइड में है और बैक साइड में उसको ऑब्जर्व करो. स्ट्रेच द आर्म एंड ऑब्जर्व द सेम मसल्स अगेन, और फिर अपने आर्म को फिर से स्ट्रेट करो और सेम मसल्स को फिर से देखो. डू द सेम विद द लेग फोल्डिंग इट एट द नी जॉइंट, फिर सेम प्रोसेस आपको अपने पाँव के साथ करनी है, आपको नी जॉइंट तक फोल्ड करना है लेग को. डिड यू एक्सपीरियंस the contraction, the relaxation of muscles at every movement, क्या आपको contraction और relaxation दिखता है muscles का हर एक movement पर. So muscles fibers and the muscular tissue are formed from the special type of contractile proteins due to which the contraction and relaxation is possible. मसल्स फाइबर्स और जो मस्कुलर टिश्यू है वो स्पेशल टाइप से बने हैं, यानी स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल है. मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स ऑफ
मसल्स फाइबर जो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल्स फाइबर की बहुत लंबी सेल से बना है। मस्कुलर मूवमेंट ऑकर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द सेल। जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही होता है जो सेल में प्रेजेंट है प्रोटीन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड मसल्स, सेकंड इज नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स एंड थर्ड इज कार्डिक मसल्स। सो हम एक एक करके सभी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड मसल्स। मसल सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। स्ट्रिएटेड मसल्स में सेल्स बहुत लंबी रहती है, सिलेंड्रिकल शेप की रहेगी और मल्टी न्यूक्लिएट यानी इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा रहेंगे एंड हैव नो ब्रांचेस, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। स्ट्रक्चर इज देयर आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन द मसल्स एट दे अटैच टू द बोन्स। यहाँ पर अल्टरनेटली डार्क और लाइट बैंड्स बना रखे जिससे कि ये बोन्स से अटैच रहेगी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स, इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। दे मूव एज पर आर विल, ये हमारे विल के अकॉर्ड हमारी इच्छा के अनुसार ये मूव करती है। हैज दे आर कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स, इसलिए इन मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। फंक्शंस आर दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स रनिंग एंड स्पीकिंग एक्सेट्रा। ये मसल्स हेल्प करती है आर्म और लेग के मूवमेंट में, भागने में और कुछ बोलने में। नेक्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, मसल सेल्स आर शॉर्ट स्प्लेंडर शेप्ड यूनि न्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। यहाँ की जो सेल रहती है मसल सेल्स बहुत ही छोटी रहेगी, स्प्लेंडर की शेप की रहेगी यानी सुई जैसे आकार की। यूनि न्यूक्लिएट, यहाँ पर न्यूक्लिएट सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस रहेगा। एंड हैव नो ब्रांचेस, इसकी भी कोई ब्रांच नहीं है। स्ट्रक्चर इज डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर भी डार्क और लाइट बैंड्स है। नॉट अटैच टू बोन्स, ये बोन्स से अटैच नहीं है। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, इसके जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है इसलिए इनवॉलेंट्री मसल्स है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल्स एंड ब्लड वेसल्स, ये एलिमेंट्री कैनाल और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। इसके फंक्शन से मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो आईलिड का जो मूवमेंट होता है आँख बंद आँख खोला, ये इनवॉलेंट्री मसल्स का फंक्शन है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कि फूड पार्टिकल्स कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा यानी मुँह से कैसे स्टमक तक जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। एंड थर्ड टाइप ऑफ मसल्स इज कार्डिक मसल्स। मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल यूनि न्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड, इसकी जो मसल सेल्स है वो सिलेंड्रिकल शेप की है, यूनि न्यूक्लियस यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है और ये ब्रांच शेप ब्रांच है। स्ट्रक्चर डार्क एंड लाइक बैंड्स आर प्रेजेंट, द हार्ट इज मेड ऑफ दिस मसल्स, यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड्स बने हुए हैं और हमारा जो हार्ट है वो इसी मसल से बना हुआ यानी कार्डिक मसल से। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमेटिकली, इसका जो मूवमेंट है ये हम पर डिपेंड नहीं करता, हमारी इच्छा अनुसार हार्ट बीट नहीं करता है, ये रिदमेटिकली बीट करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है। फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो इसी वजह से होता है।
मैक्स फ्रॉम लूप क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नर्वस टिश्यू पढ़ने वाले हैं. सो ऑफन यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई द सिंगर बाय मेयरली लिसनिंग टू द सॉन्ग और आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय मेयर स्मेल. ऐसे कि हम किसी सिंगर को अगर कोई गाना गाते हुए सुन लेते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. एंड अगर कुछ बन रहा है कुक हो रहा है तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाय द स्मेल. सो व्हाट हेल्प अस टू डू दिस. ये किसकी वजह से होता है. नर्व टिश्यू एनेबल अस टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली लाइक टच साउंड ऑडर कलर एक्सेट्रा. सो जो नर्वस टिश्यू है वो इस टाइप की चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है. हम टच करके बता सकते हैं, साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके ऑर्डर स्मेल उसके कलर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर स्पेशली मेड अप मेड टू बिकम एक्साइटेड एंड टू कंडक्ट द एक्सटेंशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. सो जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स है वो स्पेशली टाइप स्पेशली मेड है जिससे कि वो इमिडिएटली रिस्पॉन्स देती है. द सेल बॉडी विच कॉन्टेंट्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द नर्व सेल. एक ऐसी सेल बॉडी जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है तो वो नर्व सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा. न्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी. बहुत सारे सेल फाइबर्स अराइज होंगे यहाँ से जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. वन ऑफ द फाइबर However, is extremely long. It is called the axon. एक फाइबर है जो बहुत ही लंबा है वो है axon. The length of the nerve cell may even be made up of 1 meter. Nerve cell की length approximate 1 meter बताई है. Many nervous system are bound together with the help of connective tissue to form a nerves. बहुत सारे नर्व सेल्स एक दूसरे से बाउंड है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से जिससे कि वो नर्व्स फॉर्म करती है, नर्व्स का फॉर्मेशन होगा. नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड ऑल थ्रू द बॉडी. इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली ऑकर ड्यू टू द इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू. बहुत सारे अधिकतर जो एनिमल्स है उसमें जो एक्शन होता है स्टिमुली यानी जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो इस नर्व टिश्यू की वजह से ही होता है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू. सो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो ये इज़ अ डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू, अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. यहाँ पर लेबल किया गया है एक्सन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस. आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. थैंक